हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप इस थंबनेल से समझ गए होंगे, यानी कि इमेज से समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके लिए है। आपके सिक्किम पीसीएस या सिक्किम पीएससी में जो अभी लेटेस्ट आपका फॉर्म आया है उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और ये बहुत कह सकते हो दिनों के बाद आपके लिए ये फॉर्म आया सिक्किम पीएससी का 2022 का। तो पहले समझ लेते हैं कौन कौन सी आपकी जो पोस्टें हैं वो आ रखी हैं, उसकी मिनिमम जो क्राइटेरिया है एजुकेशनल, और साथ ही साथ जो उसमें एज क्राइटेरिया है वो क्या है, और इसका जो सिलेबस है वो क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें, जैसे कि आपका जो ये एडवर्टाइजमेंट है आप देख रहे होंगे, सिक्किम सर्विस कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 इनवाइटेड फॉर एलिजिबल लोकल कैंडिडेट्स, यानी कि सिर्फ इसमें कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, आपके जो सिक्किम के रहने वाले। अभी समझेंगे उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली पोस्ट जो आप लोग के लिए आ रखी है वो है अंडर सेक्रेटरी की। टोटल 18 पोस्ट आपकी आ रखी है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और इसमें अकॉर्डिंग टू अनरिजर्व के लिए 3 भूटिया, लेप्चे के लिए भूटिया, लेप्चा वुमेन के लिए, ऐसे करके जो डिवीजन है वो आपके हो रखे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, शुड बी ग्रेजुएट होल्डर इन एनी फील्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अगर आप एज लिमिट देखो तो मिनिमम 21 मांग रखी है और मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स मांग रखी है। जब आप 1-10 तक इसका काउंट करेंगे, यानी कि 1-10-2022 तक आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, ना कि 41 तक। ठीक है, दूसरी जो आपकी पोस्टें आ रखी हैं वो है आपकी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं डीएसपी की पोस्ट आ रखी है। ये टोटल 14 पोस्ट है आपकी। इसमें क्वालिफिकेशन देखो क्या है, सिंपल आपका ग्रेजुएट होल्डर डिग्री और एज लिमिट 21 से लेकर 32। ठीक है, उसमें 40 थी, इसमें मैक्सिमम कितनी है 32 है। इसमें ध्यान रखना सभी में थोड़ा थोड़ा एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी। फिर थर्ड जो इसमें आ रखी है वो है अकाउंट ऑफिसर की। टोटल देखो 30 पोस्ट है आपकी, और इसमें जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शुड बी ग्रेजुएट होल्डर इन एनी फील्ड, साथ में अंडर गोन अ कंप्यूटर कोर्स ऑफ मिनिमम 3 मंथ्स, CCC का आपका कह सकते होता है, एंड कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द कंप्यूटर कोर्स बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी कि आज दो ये 2 दिन पहले जो ये आया है एड, इससे पहले आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इसमें देखो एज लिमिट क्या है, मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम क्या दे रखी है इसमें, 40 ईयर्स दे रखी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जो आपके नोटिफिकेशन में दे रखा है सिक्किम पीसीएस में। क्या लास्ट डेट जो है इस फॉर्म की वो आपकी 15 नवंबर है, तो उससे पहले पहले ये ऑनलाइन फॉर्म भर देना। दूसरा डेट विच रिजेक्शन लिस्ट वुड बी अपलोडेड 25 नवंबर तक लोड कर देंगे। सबमिशन ऑफ ग्रीवेंस जो है 28 से 14 दिसंबर के बीच में आपसे मांगा जाएगा। तो आपको ये डेट मेन तौर पे याद रखनी है, 15 नवंबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना है। अदर क्वालिफिकेशन में शुड हैव नॉलेज ऑफ एनी ऑफ द स्टेट लैंग्वेज, कोई भी आपको एक स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए। शुड बी अवेयर अबाउट द कस्टम एंड यूसेज ऑफ दी सिक्किम। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखो क्या है, यही वो चीजें हैं जिससे बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, सिक्किम से बाहर के जो स्टूडेंट हैं, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। क्या क्या है, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ आइदर सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट ऑफ और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड बी इशूड बाई दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दूसरा, वैलिड लोकल एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपका इशू होना चाहिए, वो आपको लगाना पड़ेगा। देन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मैरिटल सर्टिफिकेट या मैरिज का सर्टिफिकेट फॉर फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये आपका इसके क्या है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो सिक्किम के बाहर के जो बच्चे हैं वो इसको नहीं भर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि एग्जाम के पैटर्न की, तो इसमें पहले आपका प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद मेंस है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू है। तो पहले मैं इस वीडियो में सिर्फ प्रीलिम्स की बात करूंगा कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो देखो, आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन पैटर्न में 2 कंपलसरी पेपर हैं। इसमें पेपर 1 पेपर 2 मान के चलिए। पेपर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 में भी आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। यानी कि ओवरऑल जो मैरिट बनेगी वो आउट ऑफ 400 बनेगी कि कौन मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहा है। फिर आपका जो प्रीलिम्स होता है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। पेपर 1 जो है वो आपका जनरल स्टडीज होता है, जिसमें 200 मार्क्स होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कवर अप करने हैं, करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया हो गया, ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, और इकोनॉमिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ये वाला पेपर जो है वो हम लोग पूरा कवर अप कर रहे हैं जनरल स्टडीज का। चाहे आप मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं, तो लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इस समय, रात को 8 बजे आप क्लास दे सकते हैं, या आप हमारे यहाँ
मेरी जो ऐप है इक्वेटर दून ऐप, इसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हम लोग 15 नवंबर को ये कोर्स अपलोड करने वाले हैं अपनी ऐप पर। जनरल स्टडीज का कोर्स होगा, उसमें सारे जनरल स्टडीज के हमारे जो टॉपिक हैं वो दिए जाएंगे आपको। देन सेकंड पेपर जो है आपका वो एप्टीट्यूड है, इसमें आपकी 10th क्लास की अर्थमेटिक है, इसमें आपके SSC लेवल की क्या आएगी, रीजनिंग आएगी, और तीसरा आपका इंग्लिश आएगी, और फोर्थ आपका जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। ठीक है, वो भी उसका जो लेवल रखा है उन्होंने, क्लास 10 का लेवल आपका रखा है। अगर आपकी क्लास 10 में मैथ्स थी तो आराम से आप सेकंड पेपर को 100 में से अच्छा स्कोर कर लो। ठीक है, हम लोग जो आप लोगों को कोचिंग देंगे वो फर्स्ट पेपर की ही देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, और ये कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी देना है, पूछना है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है, आप उस पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।